हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल यू विल। तो आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं दारुसलाम कॉलेज, उवैसी साहब वहां पे आएंगे और फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट है। तो चलिए चलते हैं दारुसलाम कॉलेज। उनको ना मिसाइल्स के सामने झुकाती है, ना बमों के सामने कमजोर करती है, ना हथियारों के सामने उन्हें नातवान करती है, तो वो क्या ताकत और कुव्वत है। वो आप हजरात के सामने इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि वो कुव्वतें जो उनके पास है वो आपके पास भी मौजूद है। ये इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि आज फलस्तीन में जो हालात है वो देखकर मुसलमान पस्त हिम्मत ना हो, और खुद हम हिंदुस्तान में एक ऐसे मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर हमें भी वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ किस्म के हमें भी मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो फलस्तीनी नौजवान हमारे लिए एक हौसला है, एक हिम्मत है, हमारे लिए एक जुर्रत है। हमें बुजदिली से काम नहीं लेनी चाहिए। अजीजाने गिरामी, एक हदीस शरीफ आपको सुनाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। मैंने गुज़िश्ता ये फलस्तीन का मामला जो 15-16 रोज से चल रहा है, इसके हर रोज के वीडियोस पाबंदी से देख रहा हूँ, वहां के नौजवानों को देख रहा हूँ, वहां के बच्चों को देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। बच्चे मासूम हैं, उनके सामने उनके बाप के जनाजे उठाए जाते हैं, माओं को कफनों में लपटाया जा रहा है, पूरे पूरे खानदान से तने तनहा एक बच्चा बचा हुआ है। जब उसके सामने कोई कैमरा लेकर आ जाता है तो अज़ीज़ाने गिरामी वो एक हदीस पढ़ता है और कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक कौम ऐसी होगी, ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती अला अल-हक़ ज़ाहिरीन लिअदुविहिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया कि क़यामत तक एक ऐसा गिरोह होगा जो बैतुल मक़दिस की हिफाजत करता होगा, दुश्मनों के सामने डटा हुआ होगा, लोगों की कोई मलामत की फिक्र नहीं होगी, मुखालिफतों की फिक्र नहीं होगी। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उनके अंदर जुर्रत और हौसला देखे कि एक शख्स उसके घर के ऊपर बम गिरता है, अपने हाथ से 10 नाशों को उठाता है, अपनी बीवी के, अपने भाई के, अपने बच्चों के, और उसके बाद उन नाशों को ट्रक में डालने के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहता है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और अल्लाह हमारा मुकदमा और वकालत करने के लिए काफी है। अज़ीज़ाने गिरामी, इनके अंदर ईमान की ये जुर्रत है। सबसे पहली बात, ये जब पैदा होते हैं तो इनके माँ बाप इनके अंदर ईमानी हरारत पैदा करते हैं, अपना दूध पिलाने से पहले ईमान की मोहब्बत डालते हैं। नंबर दो, हाफिज़े कुरान बनाते हैं। आज यहाँ पर बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, तालीम के मैदान में पूरे अरबस्तान के अंदर अगर कोई है वहाँ कोई जाहिल नहीं होता। वहाँ की एक औरत का इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कहती है कि इन हालात में हम तीन काम करते हैं। नंबर एक, जब हम ऐसे हालात देखते हैं, अलार्म बजता है, तो हम फौरन अपने जो सर्टिफिकेट है उनको अपने साथ रख लेते हैं। नंबर दो, खजूर अपनी थैली में रखते हैं। नंबर तीन, हमारा अबाया बुर्का इस अंदाज का है कि सर से लेकर हमारे पांव तक कोई चीज नजर नहीं आती, हम ये पहनकर बाहर निकल जाते हैं और अब मौत का खौफ नहीं होता। अज़ीज़ाने गिरामी, ये वो कौम है तालीम के अंदर अपने आप को कायम रखी और ऐसी कसम कुर्सी के आलम में इस तालीम के मैदान में आगे बढ़ी हुई है।
मैं आपसे अर्ज करता हूं नौजवानों, दुनिया के इन चैलेंजेस का अगर आप मुकाबला कर सकते हैं, अभी अर्ज कर रहे थे तालीम पढ़ो, तो उस मामले में जहां बम गिर रहे हैं तालीम से महरूम नहीं है, जहां बम गिर रहे हैं तुम सादे ग्राम है। 90 लोग जख्मी है, 50,000 खवातीन गाजा में प्रेग्नेंट है, इसीलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करिए गाजा की आवाम के लिए। सदर मुहतरम करारदाद पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक रेजोल्यूशन करारदार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उससे पहले मैं तीनों आखिरी उलमाए कराम से माजरत चाहता हूँ कि उनको वक्त नहीं मिला अपने बसीरत अफरोज किताबात से हम पर नवाजने के लिए। ये करारदाद ये है कि हम फलस्तीनी अवाम कि उनकी अपनी ज़मीनों पर कब्जे के खात्मे के लिए दाहियों से जारी जहद की भरपूर हिमायत करते हैं, जबकि फलस्तीन की आवाम को बैन अल-अक़वामी क़वानीन के तहत खुद इरादियत, कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का नाक़ाबिल तस्दीक़ हक़ हासिल है। इन्हीं हर तरह के कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत और अपनी ज़मीनों को नाजायज़ कब्जों से पाक कराने का एक मुकम्मल हक़ हासिल है। इन्हें अपने घरों और जायदादों पर वापस जाने का भी हक़ है जो 1948 से उनके पास है। गाज़ा भाई सुनिए सुनिए, गाजा दुनिया का सबसे बड़ा हिरासती कैंप है। 2006 से गाजा पर जालिम ताकतों का कब्जा है, जिसके बाद जमीनी, फिजाई और समंदरी नाकाबंदी की गई। गाजा के 20 लाख अफराद को मुसलसल तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें बुनियादी जरूरियात, नकल और हरकत के हक से महरूम रखा गया। गाजा के लोगों ने बार बार जंग व जदल का सामना किया है और वो एक मुस्तकबिल इज्तिमाई अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। गाजा के 80% लोगों की गुजर बसर बैरूनी इमदाद पर मुनसर है। गाजा की नस्ल आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। इसराइल गाजा की नाकाबंदी, गाजा के लोगों पर बमबारी, उनके हिस्से पर कंट्रोल और उन लोगों पर अपनी निगरानी को फौरन ख़त्म करे। फलस्तीन के मकबूज़ इलाके मगरबी किनारा में हर रोज लोग मसायब और मुश्किल के अलावा नस्ली इम्तियाज को बर्दाश्त कर रहे हैं। मगरबी किनारा का जबर इल्हाक और वहाँ बस्तियों को आबाद करना गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। आलमी अदालत इंसाफ ने मगरबी किनारा में दीवार की तामीर को बैन अल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस इलाके के लोगों को 1500 चेक पॉइंट का सामना है जो उनकी आज़ादना नकल व हरकत से रोकते हैं। इसराइल को चाहिए कि वह नस्ली इम्तियाज की दीवार गिराए, फलस्तीनियों का मुआवजा अदा करें और इनकी तमाम ज़मीनों को वापस करें जहां से इन्हें बेदखल किया गया है। हम मस्जिद अक्सा के तकद्दस की बार बार पामाली और बेहरमती और मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस तरीन मजहबी मुकाम पर इबादत में रुकावटों की इसराइली कोशिशों की मजम्मत करते हैं। हम इसराइल की तरफ से मकबूज़ इलाकों मसाजिद और गिरगाघरों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं, बशमूल गाजा में हालिया अरसे में। इसराइल को ऑस्लो के महादे का एहतराम करते हुए बैन अल-अक़वामी क़वानीन और अक़वामे मुत्तहदा की क़रारदादों पर अमल करना चाहिए। इसे गाजा पट्टी, मगरबी किनारा और बैतुल मुक़द्दस में अपने गैर क़ानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त करना चाहिए जो 1967 के बाद से किए गए हैं। इसराइल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत के क़याम में मज़ीद रुकावटें ना डालें। भारत हमारा वतन अज़ीज़। 90 लोग जख्मी है, 50,000 खवातीन गाजा में प्रेग्नेंट है, इसीलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करिए गाजा की आवाम के लिए, दुआ फरमाइए। आज आपको कुर्सी नहीं मिली तो आप खड़े रहने में तकलीफ महसूस कर रहे थे, सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारी बहन है जिसके पास वो प्रेग्नेंट है, हामिला है, अस्पताल नहीं है। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूँ
उन बुजुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद की शहादत को देखकर भी कहती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भी मरा नहीं, हम जिंदा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इनके लिए दुआ करना है। और मेरे साथ अपने महबूब की उम्मत को शफ़क़त की निगाह से देख ले, तरहम की निगाह से देख ले, मोहब्बत की निगाह से देख ले। अल्लाह तेरी मोहब्बत की और तेरी रहमत की और अल्लाह तेरी मेहरबानी की बहुत ज्यादा ये मोहताज है। अल्लाह इसकी जो हालत है अल्लाह खूब आप जानते हैं, आप खूब जानते हैं। अल्लाह आप दिलों के भेद को भी जानते हैं। अल्लाह रहम फरमा दे, करम फरमा दे। अल्लाह जैसा कि यहाँ का जलसा आज खत्म हो चुका है और हम लोग घर जा रहे हैं, तो वीडियो कैसी लगी होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला हर ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।